रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी ने एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी विकास खंडों के अभिलेखों का निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के लिए विभागीय जांच टीम गठित की गई। जांच उपरांत विकास खंड पुसोर कार्यालय में प्रस्तुत अभिलेखों और मुख्य रोकड़ पंजी मेन कैशबुक मध्यान्ह भोजन कैशबुक बैंक स्टेटमेंट का मिलान किए जाने पर लगभग 25 लाख रुपए की राशि जो कि बैंक से निकले गए हैं उनका कैशबुक में उल्लेख होना नहीं पाया गया है और ना ही राशि का बिल वाउचर था। मामले को संज्ञान में लिया गया। मनोज कुमार संजय सहायक ग्रेड 3 के विरुद्ध लगभग 25 लाख रुपए खुद के नाम से निकालकर स्वयं के उपयोग में लिए गए हैं। मनोज कुमार संजय को निलंबित किया गया है। विजय कुमार तिर्की तत्कालीन विकास खंड शिक्षा अधिकारी पुसोर वर्तमान में प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बुनुगा और दिनेश कुमार पटेल विकास खंड शिक्षा अधिकारी पुसोर को मामले पर दोषी व्यक्ति की जवाबदेही तैयार कर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है। साथ ही आवश्यकता अनुसार मनोज कुमार संजय के विरुद्ध संबंधित थाने में FIR दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है। चंद्रकांत शर्मा की रिपोर्ट। वित्तीय इसका परीक्षण कराया जा रहा था सभी विकास खंडों के अभिलेख का। उसमें यह पाया गया कि पुसौर विकास खंड में किसी एक कर्मचारी के द्वारा अपने नाम से राशि आहरित की गई है और उसमें अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जा रहा कि वो किस मद के लिए है और कितना उसमें से व्यय हुआ। लगभग 25 लाख रुपये आहरित हुई है और इसलिए उसको व्यक्तिगत रूप से उसका आहरण होने के कारण उसे निलंबित किया गया है। दोनों विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो पूर्व और वर्तमान है जिनके काल पीरियड में यह हुआ है उनको नोटिस जारी किया गया है और पूरा परीक्षण करेंगे और जहां पर भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई।